वर्षा के होश में आने के बाद अपना बयान लिखवाते समय अपने ऊपर तेजाब फेंकने वाले जिस शख्स की पहचान करेगी वो शख्स प्रशांत नहीं कोई और लड़का होगा। कार्की, तुम चाहो तो अभी बहुत कुछ कर सकती हो। ठीक है मैम, मैं समझ गई। ये क्या है साहब? तुम्हारा कबूलनामा कि तुमने वर्षा नामक लड़की के चेहरे पे तेजाब फेंका है। सबसे पहले तुम चित्रकार से बात कर लो, फिर उसे प्रशांत का सारा हुलिया बता दो ताकि वो एक स्केच तैयार कर सके। साइन करेगा ना? पता है आपको, मेरी दोस्त मिताली, उसने प्रेस मीडिया के जरिए कृपा शंकर और प्रशांत। रूपाली प्लीज, हमें इस कृपा शंकर और उसके बेटे से क्या लेना देना? माना कि तुम्हारी सहेलियां उसके खिलाफ लड़ रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जरा फ्रेश होने जा रहा हूं, कुछ खाने के लिए रेडी करो। हेलो। हेलो अम्मा, हम रूपाली बोल रहे हैं। हाँ रूपाली बिटिया, कैसी हो? हम ठीक है अम्मा, और आप कैसी हो? ठीक है, सब ठीक है यहाँ। अम्मा पता है, हमने अभी अभी टीवी में न्यूज देखी, बहुत खुशी हुई जानकर कि मिताली, निहारिका, गीतिका, सुरेखा सभी की कोशिशें रंग ला रही है। अम्मा कहाँ है वो सब? हमें उनसे बात करनी है अम्मा। हाँ वो सब अभी अभी बाहर गई। कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग जैसे ही आए ना हमारी उनसे जरूर बात कराइएगा। पता है अम्मा, हम आपसे और सभी लोगों से बहुत नाराज हैं। अम्मा जब से हम भोपाल से वापस आए हैं किसी ने हमें फोन तक नहीं किया, लगता है किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। और तो और आपने अपने दामाद जी का हाल भी नहीं पूछा। हाँ अम्मा। हाँ कैसे हैं दामाद जी? ठीक है। जानती हैं अम्मा, आपके दामाद ने हमें बेवकूफ बनाया। उनका एक्सीडेंट तो हमें वापस बुलाने का बहाना था। बहाना? एक्सीडेंट तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल रूपाली के मन में चोर था ना, बस इसीलिए वो छुप छुपा के भाग गई। वो जो कॉलेज की पार्टी रखी गई थी ना, वो किसी और ने नहीं, हमारे रूपाली के पति विपुल जायसवाल ने रखी। अम्मा क्या हुआ? अम्मा बोलिए ना। नहीं नहीं कुछ नहीं। एक बात कहें रूपाली बिटिया? हाँ बोलिए। तुमने अपनी सहेलियों को धोखा देकर सही नहीं किया, तुमने और दामाद जी ने बहुत गलत किया है। कैसा धोखा अम्मा, हमने क्या किया? अब तुम जितना भी छिपाओ हम सच सब जान चुके हैं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने और दामाद जी ने, ये सही नहीं है बिटिया। अरे अम्मा अब ये बीच में कहाँ से आ गए, इनका इस मसले से क्या लेना देना? अब वो तो तुम उनसे ही पूछो तो बेहतर होगा। अच्छा अब हम फोन रखते हैं, उनको खाना बनाना है। पर अम्मा फोन काट दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। विपुल, विपुल ने क्या किया होगा? अरे कुछ भी कीजिए लेकिन इस न्यूज़ को रोकिए और पल पल की खबर मुझे देते रहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ हाँ। तिवारी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तिवारी? अरे मेरा बबुआ प्रशांत अखबार और न्यूज चैनल का खबर बना हुआ है। अरे तुम कैसे ड्यूटी निभा रहे हो? तुमको मैंने तुम्हारी कीमत अदा की है और ये तुम ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाइए कृपा शंकर जी, मैंने जितना हो सका मामले को हाईलाइट नहीं होने दिया, लेकिन ये मैडम जी हमसे चार कदम आगे निकली। ये प्रेस मीडिया का सहारा लेकर उन्होंने तहलका मचा दिया। आप उसका आत्मसमर्पण करवा दीजिए। क्या
आत्मसमर्पण, हरगिज नहीं। हमारा बबुआ आत्मसमर्पण कभी नहीं करेगा। तुम्हें पता है तिवारी, आत्मसमर्पण का मतलब होता है कि उसने गुनाह कबूल किया, वो गुनहगार है। कृपा शंकर जी, आत्मसमर्पण हाँ डॉक्टर साहब कहिए, क्या वर्षा को होश आ गया है? ठीक है मैं अभी पहुंचता हूं, और देखिए उससे सबसे पहले मैं मिलूंगा, और किसी को मिलने की इजाजत मत दीजिएगा। ठीक है मैं आ रहा हूं। कृपा शंकर जी, लगता है भगवान हमारे साथ है, वर्षा को होश आ गया है, अब उसका बयान लेके हम लोग प्रशांत को क्लीन चिट दिलवाने में सफल हो जाएंगे। चलिए हॉस्पिटल चलना है। देखिए अभी अंदर आप लोग नहीं जा सकते सर, आप लेना बहुत जरूरी है। आप यकीन कीजिए अभी वो उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए, नहीं जा सकते। शंकर जी आप इस मामले के बारे में क्या कहेंगे? देखिए फिलहाल कुछ कहना ठीक नहीं होगा, पर इतना हम जरूर जानते हैं कि हमारा बबुआ बिल्कुल निर्दोष है, उसे साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। आपका शक किस पर है जरा खुल के बताइए। देखिए फिलहाल कुछ कहना ठीक नहीं होगा, बस अपोजिशन वाले हमें बदनाम करने के लिए हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन हमें तो पता चला है कि आपका बेटा प्रशांत वर्षा से शादी करने वाला था, लेकिन वर्षा ने मना करने पर प्रशांत ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। ये सरासर गलत है और झूठ है। देखिए हमारा बबुआ बिल्कुल निर्दोष है, और यही सब बताने के लिए तो हम आपके पास आए हैं। देखिए वर्षा बिटिया होश में आ गई है, अब वो इंस्पेक्टर को बयान देगी, सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चलो इंस्पेक्टर मंत्री जी, और एक सवाल। आप लोग रुकिए, अब मंत्री जी को करने दीजिए। आप लोग समझ नहीं, एक सवाल करने दीजिए। आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, अब फिक्र वाली कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। सक्सेना जी प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब, आप जरा बाहर तशरीफ रखिए। कैसी हो वर्षा बिटिया? वर्षा बिटिया, ये कृपा शंकर जी हैं।
इस शहर के बहुत बड़े नेता और प्रशांत के पिताजी। हमसे घबराने की जरूरत नहीं है बिटिया। अरे हम तुमसे मिलने के लिए अस्पताल में तो अक्सर आते थे, यकीन नहीं तुमको ना? तो पूछ लो, पूछो अपने बाबूजी से। सक्सेना जी, आपने वर्षा बिटिया को समझा दिया ना कि इंस्पेक्टर तिवारी को क्या बयान देना है? वो कृपा शंकर जी, अभी मौका ही नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। वर्षा बिटिया, ये जो तुम्हारी दुर्दशा हुई है ना, इसका जिम्मेवार हमारा बबुआ प्रशांत है। पर क्या करें बिटिया, जब से उसने तुम्हारी सूरत देखी ना, वो तुम्हारा दीवाना हो गया। तुम उसके दिलो दिमाग पर छा गई हो। अरे यूं कहें कि उसको तुमसे मोहब्बत हो गया। अब कमबख्त मोहब्बत, इश्क ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती है, पगला देता है। पर हम इतना पागल नहीं है कि अपने बिटवा को एक लड़की के खातिर जेल में सड़ने के लिए भेज दे। कान खोल के सुन लो बिटिया, तुमको इंस्पेक्टर तिवारी के सामने क्या बयान देना है? तुमको बयान ये देना है कि तुम्हारे चेहरे पे ये तेजाब मेरे बेटे ने नहीं, इस लड़के ने फेंका। जाओ। कभी नहीं प्रशांत। ये झूठ है, गलत है ये। ए लड़की, हमें गलत और सही का फर्क समझाने की कोशिश मत करो। जो कहा गया वो बयान दो, इसमें तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। वर्षा बेटिया, जैसा कृपा शंकर जी कह रहे हैं वैसा बोल दो बेटा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के का बयान लीजिए। जी बताइए। मेरा नाम वर्षा सक्सेना है। हाँ
गया था। दस्तखत लीजिए इस लड़की का। जी साइन कीजिए। सक्सेना जी प्रणाम। खुश रहो बेटिया। देखा, हमने आपसे कहा था ना कि हमारा बबुआ बिल्कुल निर्दोष है, और वर्षा बिटिया के बयान ने तो हमें बिल्कुल सही ठहराया है। अगर वर्षा ने प्रशांत को बेकसूर बताया है तो कसूरवार कौन है? कसूरवार ये आदमी। ये शख्स कौन है? इसका नाम मनोज है। ये बार बार फोन करके वर्षा जी को परेशान कर रहा था शादी के लिए। जब उन्होंने मना किया तो इसने बेरहमी से उनके ऊपर तेजाब फेंक के उन्हें जलाने की कोशिश की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी निर्दोष को फंसा रहे हैं और असली दोषी को बचा रहे हैं? कहीं किसी के दबाव में आकर तो ऐसा नहीं कहा? किसका दबाव, किसका डर? आप लोग खामा खा बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वर्षा बिटिया बयान देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। आप लोग सबके सामने बुलाकर एक एक करके पूछ लीजिए उससे। अगर असली अपराधी मनोज है तो निहारिका जी ने प्रशांत के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज क्यों करवाई? पता नहीं इन महिलाओं को किसने पट्टी पढ़ाई है। निहारिका जी इनका ग्रुप लीडर है। बिना कुछ सच जाने हमारे बबुआ पर उसने इतना बड़ा आरोप लगाया। अगर उसने ये आरोप वापस नहीं ली तो हम अदालत जाएंगे और उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे। प्रशांत की बजाय मनोज पर इल्जाम लगाया। आखिर प्रशांत ने ऐसा क्यों किया? वर्षा ने ऐसा किया नहीं है, उससे करवाया गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कृपा शंकर ने जरूर वर्षा को डरा धमकाकर उससे ऐसा करवाया होगा। और उस बेचारी को मजबूरन ये बयान देना पड़ा होगा। वर्षा के पापा तो पहले ही कृपा शंकर के आगे घुटने टेक चुके हैं और वर्षा ने भी यही किया तो उसमें हैरानी वाली बात कौन सी है? हैरानी वाली बात ये है कि इस खट्टा चक्र में ये मनोज अचानक कहां से आ गया? अरे हमको तो मासूम बच्चा लगता है। हमारा तजुर्बा कहता है कि वो तो सीटी नहीं मार सकता। तेजाब फेंकना तो दूर की बात है। मनोज को फंसाया गया है ताकि प्रशांत का नाम प्रेस, मीडिया या पुलिस में ना उछाला जाए। आखिरकार वो कृपा शंकर
अपनी घटिया चाल चल ही गया। हम उसके इस घटिया खेल में इंस्पेक्टर तिवारी भी उनका साथ दे रहे हैं। मैडम जी नमस्कार। शंकर जी आप पर मानहानि का दावा करेंगे पर आपने अपना कंप्लेंट वापस लेकर उनसे माफी नहीं मांगी। रास्ते तो आपने मेरे बंद कर दिए हैं। आज आपके कारण मेरी सहेलियां मुझसे बात करना पसंद नहीं करती। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं मनोज का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। अब चाहे उसे बचाने के लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े।